हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने लाया हूँ वो डॉक्टर अली जी का है, जो कि MBBS है, MS है, जनरल सर्जन है। उनका ब्रीडिंग सेटअप देखेंगे, बकरे फॉर सेल है वो भी देखेंगे, वो पलाई सिस्टम करते हैं वो भी देखेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। माशाल्लाह सर, इसकी कुछ डिटेल आप मुझे बताओगे? ये प्योर ब्लड लाइन के देखो मज़े देखो दोस्तों। पहले मैं कुछ बच्चे दिखा दूँ, फिर सर से मैं खुद सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन लूँगा। माशाल्लाह दोस्तों देखो मुंडा जो ओल्ड ब्लड, माशाल्लाह दोस्तों ये देखिए दूसरा जो सर का ब्रीडर है। अब इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे सर, इसके क्या आए हैं, ठीक है, कौन कौन सी नस्ल में। अगेन आपको सारे बच्चे दिखा दो, माशाल्लाह ये देखिए आपने एक बार देख चुका है। अब मैं इनकी माँ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। दोस्तों माशाल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम लोग जयपुर में हैं और बहुत ही नायाब शूट कर रहे हैं, और उसी कड़ी के अंदर ना मैं आज आपको एक ऐसे सेटअप पे दिखाने लाया हूँ। लेकिन उससे पहले बताऊं, जो सेटअप चला रहे हैं माशाल्लाह वो खुद एक बहुत बड़े सर्जन है, तो उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं और डिटेल पूरी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हम लोग जैसे कि जयपुर में आए हैं शूट के लिए, तो आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, आपके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे तो बेहतर होगा। हाँ, इसलिए तो मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, और पिछले कभी ये 3 साल से कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं डॉक्टर हूँ, आई एम जनरल सर्जन, और मेरी जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे SMS मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट हूँ, और यही 5-स्टार होटल मेडिकल कंसल्ट है, यहाँ गोड और दुम्बा का फॉर्म। माशाल्लाह, तो जैसे सर आपका नेम भी एक बार बता देंगे? मेरा नाम डॉक्टर सैयद अतहर अली है, डॉक्टर अली कह सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अली के पास हम लोग आए सर के पास, और सर ने जैसे कहा कि वो जनरल सर्जन है माशाल्लाह, ठीक है, और काफ़ी ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और शौक भी उमदा करते हैं। तो आज हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे कि कौन से ब्रीड, और उनका सेटअप के बारे में बताएंगे सर आपका। जैसे शौक तो कर रहे हो, फिर आप ब्रीडिंग भी करते हो, जैसे भाई ने बताया ब्रीडिंग भी करते हो, है ना, और अभी पलाई का भी सिस्टम चालू करने का इरादा है। तो हम लोग पहले आपके ना जो ब्लड लाइन चल रही है पहले वो चेक कर लेते हैं ना। जैसे अभी हम लोगों ने डॉक्टर सर का इंट्रोडक्शन ले लिया, तो अभी हम लोग सर से जानेंगे उनके जो मेल है जिनसे वो प्रोडक्शन आगे ले रहे, तो उनके बारे में डिटेल जानेंगे। तो सर जैसे ये आपका है ना मेल है, ये माशाल्लाह मेल है, मैं वो साइड चले जाता हूँ थोड़ा सा। माशाल्लाह सर, इसकी कुछ डिटेल आप मुझे बताओगे? ये अभी 4 दांत पे है, माशाल्लाह ब्रीडर है हमारा। एक बार ही बॉर्न हुआ है के? नहीं, ये मैं वहाँ से लिया था, सिंधीपुरा पीपाड़ से बच्चा लिया, 2-3 महीने। सर का जो है वो ब्रीडर है दोस्तों, आप ब्रीडर की क्वालिटी देख सकते हो, पूरा नुकरा गुलाबी बच्चा, ठीक है, स्पॉटलेस में है, लेकिन कैसा है जो गर्दन पे जो डार्क आता है ना, सिर्फ वही एक उसको पैचेस आ गया माशाल्लाह। तो आप जान सकते हो अगर ब्रीडर अच्छा होता है तो माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे आते हैं, और एक और एक ब्रीडर है उमदा, हम लोग वो भी आगे दिखाएंगे, ठीक है, और इसके सारे रिजल्ट भी बताएंगे ना सर। दूसरे रिजल्ट ये वाला दिखाए थे सर, माशाल्लाह दोस्तों ये देखिए दूसरा जो सर का ब्रीडर है। अब इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे सर, इसके बारे में कुछ डिटेल आप बताओगे हमें? ये भी उसी एज ग्रुप का ही है, एज ग्रुप का, और ये प्योर वाइट है, स्पॉटलेस है माशाल्लाह। ओल्ड लाइन में सो जाता, जो ओल्ड ब्लड लाइन चलती थी, जो गेहूं में कलर में आता था ना दोस्तों, प्योर ब्लड लाइन जिसे कहते थे, माशाल्लाह वो बच्चा है, और है ना। अच्छा सर, ब्रीडर का ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है, मैंने सुना है क्योंकि उससे रिजल्ट कुछ अच्छा आता है, ये सही बात है क्या? ब्रीडर तो ओरिजिनल हुआ जब ही सही है, और रिजल्ट अच्छा है, फैक्टर होता है, बकरियां तो डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए उसी पे सारे बच्चे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ब्रीडर का तो अच्छा अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर सर अगर बच्चे भी अभी इसके एक लॉट है पूरा, जो अभी तो लोडेड है बकरी, लेकिन जो ब्या गए हैं वो ठीक है, 5 महीने के बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ठीक है, अभी सर के हम लोग ना ब्रीडिंग सेटअप के जो बच्चे इंशाल्लाह देखते हैं ना सर, आगे चल के हम लोग बच्चे भी देख लेते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, अब हम लोग ने ब्रीडर देखा और शानदार, अब जो है हम लोग उसके रिजल्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में देखो दोस्तों, फादर देखा था आपने, फुल नुकरा पैचेस वाला, एक पैच आया था उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था, सेकेंड देखो यही बच्चा सेम है, ठीक है माशाल्लाह। वो चेहरे देखो इनके दोस्तों, ये सोजत में ना नहीं मिलते इतने प्यारे प्यारे चेहरे आज की तारीख में, क्योंकि ब्लड लाइन क्रॉस हो चुकी है, ये प्योर ब्लड लाइन के देखो मज़े देखो दोस्तों। पहले मैं कुछ बच्चे दिखा दूँ, फिर सर से मैं खुद सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन लूँगा। माशाल्लाह दोस्तों देखो, मुंडा जो ओल्ड ब्लड लाइन का आता था ना, जोधपुर साइड के जो बच्चे कहते थे, खाली पीठ के ऊपर जो पैचेस आता था, तो देखो ये कुछ बच्चे खा रहे। तो सर माशाल्लाह ये सारे ही जो रिजल्ट है यहीं के रिजल्ट है अपने? 5 महीने के बच्चे हैं सारे, ओके, 5 महीने और सब यहीं पैदा। अच्छा सर, वो फादर हैं दोनों, उन्हीं के रिजल्ट है सर। ये कितना टाइम पुराना सेटअप हो गया? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए।
माशाल्लाह। और कितनी बकरियों से स्टार्ट कर रहे होंगे? मैं तो शुरू में तो ऐसे ही 5-6 बकरियों से शुरू किया। और माशाल्लाह अभी अल्लाह ताला ने फुल बरकत दे दी। तो ठीक है सर, जो है वो अगर किसी को इसमें से अगर कोई बच्चा लेना चाहता है सर, तो आपको कांटेक्ट कर सकता है जी, है ना जी। तो इनमें 8 तो बकरे हैं, ठीक है, बाकी 7 पार्टनर हैं। ठीक है ना, मैं कुछ बकरे दिखा देता हूँ सर, है ना। माशाल्लाह सारे रिजल्ट मैं आपको दिखा, बकरे भाई है माशाल्लाह। देखो दोस्तों फीमेल देखो ये, और माँ बाप बहुत अच्छे हैं। और मैं एक चीज़ अपने एंड से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे नए भाई फार्मर है ना, ब्रीडिंग सेटअप डालना चाहते हैं, उनके लिए एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि ब्लड लाइन, इनके माँ भी अच्छी है, इनके फादर भी अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप इनको लेके ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही आना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ हो गया, इनके फादर भी हैं, इनके मदर भी हमारे सामने हैं, मतलब ये सर्टिफाइड हो चुके सारे बच्चे अच्छे। माशाल्लाह बच्चा देखो दोस्तों, देख रहे हैं ये वन बाय वन बच्चे मैं आपको दिखाया, तो जो भी बच्चे आपको पसंद आए तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके है ना भेज देना। माशाल्लाह देखो ये एक बकरी, माशाल्लाह देखो दोस्तों ये मेल है, ये माशाल्लाह फीमेल है ना, ये भी मेल है भाई, बहुत शानदार मेल है। थोड़ा सा पापा इधर देखो दोस्तों, क्या इनके कान की लेंथ तो देखो ओरिजिनल है, ये कोई क्रॉस नहीं हुआ, और ओरिजिनल में इनके कान इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, और एक आध दो में देखो माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत है गुलाबी, माशाल्लाह। देखो दोस्तों, तो जो भी भाई अच्छे बच्चे पालना चाह रहा है, ठीक है, तो सर से कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और माशाल्लाह सर खुद सर्जन है, ठीक है, ह्यूमन सर्जन, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उन्होंने कितने ख्याल से बच्चे रखे होंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सारे वैक्सीनेशन तो हो चुके हैं, मतलब फीमेल मेल आपको सब चीज़ मिल जाएंगी माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह हमने अली सर से पूरी इन्फॉर्मेशन जान ली, ब्रीडर कौन सा है, बच्चे कैसे आए हैं, ठीक है, कौन कौन सी नस्ल में। अगेन आपको सारे बच्चे दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये देखिए आपने एक बार देख चुका है, अब मैं इनकी माओ को दिखाता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह दोस्तों देखो ये सारी जो प्योर नस्ल की जो बकरी है ना, ये वो बच्चे उनके हैं। तो मैं अगेन ये चीज़ आपको क्यों दिखा रहा हूँ, माँ भी मैंने आपको दिखा दी, इनके फादर भी आपको दिखा दिए, दिखाने का मकसद ये था कि दोस्तों बकरी की लेंथ देखिए आप, ठीक है, ये बकरी की लेंथ देखिए आप माशाल्लाह, ठीक है, वो बकरी देखिए माशाल्लाह दोस्तों, ठीक है, ये बकरी की लेंथ देखिए। बकरियाँ दिखाने का मकसद ये था कि माँ बाप इतने जब पर्सनालिटी में अच्छे हैं ना, तो ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इंशाल्लाह बच्चे भी अच्छे आएंगे। तो जो भी इंसान आगे ब्रीडिंग सेटअप कर रहा है, मैं अगेन कहता हूँ, पालने वाला कुर्बानी वाला हो चाहे ब्रीडिंग सेटअप वाला हो, उनके लिए ये आपके लिए प्रूफ हुए बच्चे हैं, है ना सर, सही कहा कि नहीं मैंने, क्योंकि ये सारे मदर फादर हमारे सामने ही है। जैसे कि हम लोगों ने ये पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दिया, ठीक है, और आपने कहा कि आपके ब्रीडिंग सेटअप के बच्चे आपको सेल भी करना है, तो माशाल्लाह जो इतने सारे बच्चे, तो इसमें एक रेंज क्या है बच्चों की, ताकि लोगों को पता चल जाए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। ये 12-14,000 है रेंज, ओके, नेगोशिएबल हो जाएगा स्लाइटली। तो दोस्तों अगेन मैं स्क्रीन पे आपको जो बच्चे दिखाया था, माशाल्लाह 12,000 से 14,000 के बीच के जो ओरिजिनल प्योर नस्ल के जो बच्चे हैं ब्लड लाइन के, ठीक है, वो सारे आपको दिख रहे हैं माशाल्लाह। देखो सारे बच्चे आप देख लो, ठीक है, और वैक्सीनेटेड है, ठीक है, पूरे सेटअप से अच्छे तरीके से खाए पिए तैयार हुए बच्चे हुए, ठीक है, मतलब जस्ट आपको लेके जाके पाल के तैयार करना है। और एक और एक चीज़ बता दूँ सर, जो है वो फार्मिंग में पलाई सिस्टम भी रखते हैं, तो अगर किसी को बच्चा बाय करके यहाँ पलाई पे रखना है तो वो भी छोड़ सकते हैं, उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। सर आपने कहा कि आप पलाई भी रखते हो कुछ खास लोगों की, जैसे आपने बताई थी, तो इनकेस अगर कोई बोलता है बच्चा आपसे ले और आपके पास पलाई पे छोड़ दे, तो वैसे रख सकते हैं? तो उसके चार्जेस क्या हो जाएंगे मंथली सर? 2,000 रुपीज़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह भी हो जाएगा ना, है ना, कभी फ्यूचर में जो भी लगता है वैक्सीनेशन। तो दोस्तों कोई यहाँ पर छोड़ भी सकता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, बैठे देखे सर खुद सर्जन है, ठीक है, उनको खुद मेडिकल फुल नॉलेज। हाँ अच्छा सर, 2,000 में जैसे कि दोस्तों आज मैं आपको ना कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ। बकरा बकरी के फार्म में ये जो मुर्गियाँ रख रखी है ना, ठीक है माशाल्लाह, अब इनके बारे में हम क्यों मुर्गियाँ दिखा रहे हैं ये सर से जानेंगे। सर एक क्वेश्चन अगेन मेरे मन में आया, बकरा बकरी के फार्म में मुर्गियाँ क्यों रखी जाती है? बकरियों में मुर्गियाँ से एक तो फ़ायदा ये है कि जो भी टिक्स होती हैं, माइट्स होते हैं और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये सब उनको खा लेती हैं। दूसरी चीज़ जो वेस्ट है या वो छोड़ देते हैं बकरा बकरी थान के अंदर, वो इनको डाल देते हैं, तो उसमें काम कीजिए या दाना बचा हुआ ये खा लेते हैं, या कोई इनके वेस्ट महंगी वगैरह उसमें से भी
कोई जो या कोई और दाने के वो चुभ लेते। अच्छा, जैसे डाइजेस्ट जो होता है वो भी खा लेते और कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, तो इनके मतलब कॉस्ट फैक्टर भी कम हो जाता है और यहाँ थोड़ी माइट्स भी और टिक्स बिल्कुल नहीं। ओके, तो साफ सफाई भी मेंटेन रहती है और ये भी पल जाते उससे। तो दोस्तों, आज आपको एक इन्फॉर्मेशन अगेन मिल गई कि बकरा बकरियों के फार्म में मुर्गियाँ क्यों रखी जाती है। मुर्गियाँ बड़ी मुर्गियाँ कम खाती हैं, छोटे चिक्स होते हैं जैसे बड़े हो रहे होते हैं। ओके, ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, एक और एक हम उनको छोटे चिक्स से ही पालते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन अगर सर ने ऐड की कि भाई आप जो छोटे होते हैं ना वो ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट बड़े लेके आओ बड़ी मुर्गियाँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपको ऐड कर दी, सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। टिक्स वगैरह खा लेते हैं लोग। देखो ये सारे अभी मतलब ये अभी ग्रो हो रहे हैं 45 डेज के। अच्छा, ये कब से लाए हुए सर आपके? ये मेरे पास अभी 20 डेज हो गए। तो आप रिपीट करते रहते हो? सोनाली है, सोनाली देसी। और हमें देसी अंडे मिल जाते हैं और जो मुर्गे हैं वो आप काम में ले सकते हैं। माशाल्लाह, मतलब मल्टीपर्पज हो गया है फार्म पूरा। थैंक यू सर। अभी हम लोग सर के आगे दुम्बे का